ओम श्री हरि। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 106, 107 और 108 का पाठ करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। महाराज रामाधर्यो धन्य सोई, घरु गुण राशि सर्वज्ञ सुकृति, सूर शील निधि साधु ते ही समन कोई। उपल केवट कीस भालु निसचर सबर, कीध समदम दयादान हीने, नाम लिए राम किए परम पावन सकल, नरतरत तिनके गुण गान कीने। व्याध अपराध की साध राखी कहा, पिंगलय कौन मति भगत भेई, कौन धो सोम जाजी अजामिल वधम, कौन गजराज धो बाज पेई। पांडुसुत गोपिका विदुर कुबरी सबर, शुद्ध किए शुद्ध तालेस कैसो, प्रेम लखे कृष्ण किए आपने तिनहु को, सुजस संसार हरिहर को जैसो। कोल खस भील जवनादि खल राम कही, नीच भय ऊंच पद को न पायो, दीन दुख दवन श्रीरवन करुणा भवन, पतित पावन विरद वेद गायो। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरस, हो न तेहूँ रोक तेहूँ काल को, नाम की कानी पहचानी पन अपनो, प्रसिद्ध कल व्याल राख्यो शरण सो। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया वही धन्य है, वही भारी यानी महिमान्वित, गुणों का भंडार, सर्वज्ञ, पुण्यवान, वीर, सुशील और साधु है। उसके समान कोई भी नहीं है। पाषाण की अहिल्या, निषाद, बंदर, रीच, राक्षस, शबरी, जटायु, ये सब शम, दम, दया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे, परंतु श्री राम नाम स्मरण करने से श्री राम जी ने इन सबको ऐसा परम पवित्र बना दिया कि आज उनके गुणों का गान करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। वाल्मीकि व्याध ने कौन से पाप की इच्छा बाकी रखी थी? पिंगला वेश्या ने अपनी बुद्धि भक्ति में कब लगाई थी? अजामिल पापी ने कौन सा सोमयज्ञ किया था और गजराज कहाँ का अश्वमेध करने वाला था? पांडवों, गोपियों, विदुर और कुब्जा में पवित्रता का लेश भी कहाँ था? परंतु आपने इन सबको पवित्र कर दिया। प्रेम देखकर श्री कृष्ण रूप आपने इनको अपना लिया, जिससे इनका सुंदर यश आज संसार में विष्णु और शिव के समान छा रहा है। कोल, खस, भील और यवनादि दुष्टों में ऐसा कौन है जिसने राम नाम उच्चारण करने पर नीच होकर भी ऊंचे से ऊंचा पद ना पाया हो? तीनों के दुखों का नाश करने वाले, लक्ष्मी जी के पति, करुणा के मंदिर, पतितों को पावन करने वाले श्री राम जी का यश वेदों ने गाया है। औरों की बात जाने दीजिए, तीनों लोकों और तीनों कालों में तुलसी सरीखा, मंदबुद्धि, कुटिल और दुष्ट शिरोमणि कोई नहीं हुआ, परंतु अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए, अपने पतित पावन प्रण को स्मरण करके इस कलिकाल रूपी सर्प से डसे हुए को भी श्री राम जी ने अपने शरण में ले लिया। है निको मेरे देवता कोसलपति राम, सुभग सरोरु लोचन सुठी सुंदर श्याम, सिय समेत सोहत सदा छवि अमित अनंग, भुज विशाल सर धनु धरे,
कटी चारों ने शंग, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही माने भलो, पावन सब रीति, देही सकल सुख दुख दहे, आरत जन बंधु गुण गहि, अघ अवगुण हरे, अस करुणा सिंधु, देश काल पूरन सदा, बद वेद पुराण, सब को प्रभु सब में बसे, सब की गति जान, को करी कोटिक कामना, पूजे बहुदेव, तुलसीदास तेहि सेइये, शंकर जेहि सेव। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं, कोसलपति श्री रामचंद्र जी मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, उनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और उनका शरीर परम सुंदर श्याम वर्ण है, श्री सीता जी के साथ सदा शोभायमान रहते हैं, असंख्य कामदेवों के समान उनका सौंदर्य है, विशाल भुजाओं में धनुष बाण और कमर में सुंदर तरकस धारण किए हुए हैं, वे बलि या पूजा कुछ भी नहीं चाहते, केवल एक प्रेम चाहते हैं, स्मरण करते ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब तरह से पवित्र कर देते हैं, सब सुख दे देते हैं और दुखों को भस्म कर डालते हैं, वे दुखी जनों के बंधु हैं, गुणों को ग्रहण करते और अवगुणों को हर लेते हैं, इस प्रकार के वे करुणा सागर हैं, सब देश और सब समय सदा पूर्ण रहते हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं, वे सबके स्वामी हैं, सब में रमते हैं और सबके मन की बात जानते हैं, ऐसे स्वामी को छोड़कर करोड़ों प्रकार की कामना करके दूसरे अनेक देवताओं को कौन पूजे, हे तुलसीदास अपने तो उसी की सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा देवादिदेव महादेव जी करते हैं। वीर महावराधिये साधे सिधि होए, सकल काम पूरन करे, जाने सब कोई, भीगी विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज महामंत्र जपिए सोई, जो जपत महेश, प्रेम बारी तर्पण भलो, ग्रत सहज सनेहु, संशय समिध अग्नि क्षमा, ममता बलि देहु, अघ उचाट मन बस करे, मारे मद मार, आकर्षय सुख संपदा, संतोष विचार, जिन्ह भांति यजन कियो, मिले रघुपति ताहि, तुलसीदास प्रभु पद चढ़ो, जो ले हुने बाहि। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि महान वीर श्री रघुनाथ जी की आराधना करनी चाहिए जिन्हें साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, वे सब इच्छाएँ पूर्ण कर देते हैं, इस बात को सब जानते हैं, इस काम को जल्दी ही करना चाहिए, देर करना उचित नहीं है, सद्गुरु से उपदेश लेकर उसी बीज मंत्र राम का जप करना चाहिए जिसे श्री शिव जी जपा करते हैं, मंत्र जप के बाद हवनादि की विधि इस प्रकार है, प्रेम रूपी जल से तर्पण करना चाहिए, सहज स्वाभाविक स्नेह का घी बनाना चाहिए और संदेह रूपी समिध का क्षमा रूपी अग्नि में हवन करना चाहिए तथा ममता का बलिदान करना चाहिए, पापों का उच्चाटन, मन का वशीकरण, अहंकार और काम का मारण तथा संतोष और ज्ञान रूपी सुख संपत्ति का आकर्षण करना चाहिए, जिसने इस प्रकार से यजन किया है उसे श्री रघुनाथ जी मिले हैं, तुलसीदास भी इसी मार्ग पर आगे चढ़ा है, इसे प्रभु निभा लेंगे।
ओम श्री हरि।